इंटू टू इंटू फाइव, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। आपके दोनों वैल्यूज क्या आई हैं सेम, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, जो कि हमारा है फ्रैक्शन फॉर्म में, वो क्या है अंडर रूट 576 ओवर 144 इज इक्वल टू अंडर रूट 576 ओवर अंडर रूट 144। सेम आपने सबसे पहले वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए आप क्या करेंगे 576 ओवर 144 एलसीएम लेंगे। 576 टू ज़ा 4 28 ज़ा 16 एंड 28 ज़ा 16 टू वन ज़ा 2 टू 4 ज़ा 8 टू 4 ज़ा 8 टू 7 ज़ा 14 टू 2 ज़ा 4 टू 3 ज़ा 6 टू 6 ज़ा 12 टू वन ज़ा 2 टू 8 ज़ा 16 टू 9 ज़ा 18 3 ज़ा 9 एंड 3 वन ज़ा 3। इसी तरह आप 144 का एलसीएम लेंगे, 27 ज़ा 14 टू 2 ज़ा 4 टू 3 ज़ा 6 टू 6 ज़ा 12 टू 1 ज़ा 2 टू 8 ज़ा 16 टू 9 ज़ा 18 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कि आपने पेयरिंग फॉर्म में लिखना है। पेयरिंग फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जितने आपके पास पेयर्स बन रहे हैं, लास्ट पेयर आ जाएगा 3 इंटू 3 और 144 के पेयर्स आ जाएंगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप यहाँ भी पहले कैंसिलेशन कर सकते हैं, जो सेम वैल्यूज हो सिंगल सिंगल उन्हें कैंसिल आउट कर दें, रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास रह जाएंगी 2 इंटू 2 और नीचे आपके पास एज यूजल 1 है तो ये रह जाएगा आपके पास 2 का स्केयर, स्केयर अंडर रूट कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है 576 और ओवर में है।